हेलो एंड वेलकम अगेन। हमने एक दूसरी सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम शब्दों को ग्रुप से पढ़ रहे थे। पहली सीरीज़ थी जिसमें हम वर्ड्स को रूट के थ्रू पढ़ रहे थे, रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ रहे थे। और वो दूसरी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसी सीरीज़ में ये दूसरा ग्रुप है जो कि वर्ड्स अबाउट गिविंग प्रेज एंड हैविंग फन। ठीक है, तो इस लिस्ट में पहला जो वर्ड है वो है हमारा एकोलेड। एकोलेड का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो है नाउन। एकोलेड बेसिकली नाउन होता है और एकोलेड का मतलब होता है एन अवार्ड और एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। सिंपली अगर हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है शाबाशी देना। अगर इस फिगर के थ्रू समझते हैं तो इसमें जैसे एक लेडी है और उसमें दो टेस्ट के लिए रखे गए हैं दो ग्लास, जिस एक ग्लास ए और ग्लास बी, तो और दोनों में कोला भरा हुआ है। तो जो लेडी है वो दूसरे वाले ग्लास को उठा के कहती है कि कोला बी इज सो मच बेटर। मतलब उसने कहा कि जो कोला बी है वो ज़्यादा अच्छा है, उसने दूसरे वाले कोला को पुरस्कार दिया, उसको ज़्यादा अच्छा बताया, तो शी एकोलेडेड। ठीक है, ये है, सॉरी एकोलेडेड नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। तो शी गेव एकोलेड, ठीक, इसको कोला से याद कर सकते हैं कि कोला को उसने पुरस्कार दिया, तो ये होता है एकोलेड। इसका जो सिनोनिम है वो होता है एक्लेम। एक्लेम का मतलब भी होता है वाहवाही या शाबाशी। ओवेशन, ओवेशन का मतलब होता है कि जब किसी को ताली बजाकर वाहवाही दी जाए, शाबाशी दी जाए, वो होता है ओवेशन। ओवेशन को ऐसे याद रख सकते हैं कि जब जो बहुत ही फेमस हास्य कलाकार थे चार्ली चैपलिन, उनको जब ऑस्कर अवार्ड मिला था तो उनकी ऑस्कर सेरेमनी में उनको 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, जो कि ऑस्कर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। चार्ली चैपलिन को 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, और स्टैंडिंग ओवेशन मतलब कि लोगों ने खड़े होकर 12 मिनट तक लगातार ताली बजाई थी उनके लिए, ये होता है ओवेशन। तीसरा सिनोनिम है एकोलेड का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वर्ड है हमारा कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है कि अगर हिंदी में बोलें तो व्यंग्य चित्र बोलते हैं, बट इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। जैसे ये एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसकी थोड़ी सी नाक बड़ी है, और जो फिगर बना हुआ है दीवार पे उसमें देखिए उस फिगर की नाक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फिगर बनाया गया है वो इसके मजाक उड़ाने के पर्पज़ से बनाया गया है कि उसकी जरा नाक थोड़ी सी लंबी है तो फिगर में कुछ ज़्यादा ही लंबी बना दी गई, तो उसका मजाक उड़ाया गया। यही होता है कैरिकेचर, कि अ ह्यूमरस पोर्ट्रेट दैट एग्जैजरेट्स पर्टिकुलर फीचर ऑफ द सब्जेक्ट। किसी कोई सब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर फीचर है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देना, वो होता है कैरिकेचर, मजाक उड़ाना। इसी का सिनोनिम है पैरडी। पैरडी का मतलब भी होता है नकल, है ना, मजाक उड़ाने के पर्पज़ से कोई चीज़ नकल की जाए वो होता है पैरडी। कार्टून सभी जानते हैं, लैम्पून, लैम्पून का भी मतलब होता है मजाक उड़ाना। और कैरिकेचर जो होता है ये नाउन और वर्ब दोनों भी होता है। नाउन तो हो गया कि कैरिकेचर कोई फिगर बना दिया गया मजाक के तौर पे, है ना, वो होता है नाउन। और वर्ब होता है कि कोई फिगर बना के, कोई आर्ट बना के मजाक उड़ाना, वो होता है इसका वर्ब। अगला वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ही विचित्र। ठीक, अब इस फिगर से समझते हैं कि एक पर्सन है बोलता है रॉइट टैली होदन, और ये दूसरा पर्सन आपस में बात कर रहा है कि ही इज नेवर बीन विजिटिंग इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड कभी विजिट नहीं किया, बट उसकी जो एक्सेंट है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी विचित्र बात है कि वो कभी इंग्लैंड गया तो नहीं, बट वहाँ की जो एक्सेंट है बहुत ही फ्लुएंटली बोल ले रहा है, तो वहाँ होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक जो है ये होता है एडजेक्टिव, लास्ट में आई सी है तो एडजेक्टिव होगा। सिनोनिम है इसकी क्वर्की। क्वर्की का मतलब भी होता है विचित्र। इडियोसिंक्रेटिक, इडियोसिंक्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं सनकी, है ना, कुछ लोग होते हैं सनकी टाइप के, उनको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक। इसी की एक और वर्ड होता है इडियोसिंक्रेसी, ठीक। और इसका जो तीसरा सिनोनिम है वो है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का एक निगेटिव वर्ड है, बेसिकली ये निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अजीब, ठीक। अजीब इन द सेंस निगेटिव कैसे हुआ, जैसे कुछ लोगों का बिहेवियर होता है वो बड़ा रूड होता है और मतलब बड़ा ही अजीब बिहेवियर होता है, वो निगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, किसी को अच्छा काम करने के लिए उनका बिहेवियर नहीं होता है, वो होता है पिक्यूलियर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटैटिक। बहुत ही अच्छा शब्द है और बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। एक्सटैटिक का मतलब होता है कि एक्सट्रीम हैप्पी, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश जो व्यक्ति है
बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो होता है एक्सटैटिक। ठीक है, लास्ट में आई सी है तो एडजेक्टिव होगा। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है इलेटेड, इलेटेड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खुश, प्रफुल्लित हिंदी में सब बोलते हैं। दूसरा है इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड मतलब है टू फिल समवन विद डिलाइट, किसी को डिलाइट से एकदम भर देना, भाव विभोर कर देना, वो होता है इनरैप्चर्ड। थर्ड है यूफोरिक, यूफोरिक का मतलब भी होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, है ना, इसी यूफोरिक से बनता है यूफोरिया। ठीक, यूफोरिया, इसमें रूट वर्ड जो है वो है ईयू, इसका मतलब होता है गुड। ठीक, इसी ईयू से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, यूलॉजी हो गया, यूफोरिया हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यूलोजाइज करना हो गया, है ना, यूलॉजी का ही होता है यूलोजाइज। नेक्स्ट वर्ड है एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है सम्मान करना। ठीक है, ये नाउन और वर्ब दोनों होता है, नाउन में होता है रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन, सम्मान, और वर्ब का होता है सम्मान देना, किसी के बारे में बहुत ही ऊंची सोच रखना। ऊंची सोच रखने का मतलब भाई सम्मान देना ही हो गया, तो वो हो गया हमारा एस्टीम। जैसे यहाँ फिगर के थ्रू समझते हैं कि एक पर्सन है, उसका जो ये लॉकर है उसमें वो कह रहा है कि माई होल लॉकर इज़ अ म्यूजियम ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ 1976, मतलब 1976 की जो फुटबॉल टीम थी उसके प्रति इसका इतना सम्मान है, उसके बारे में इतनी ऊंची सोच रखता है कि उसकी पूरी किट इसने अपने लॉकर में रख रखी है। तो ये होता है एस्टीम। ठीक है, सम्मान देना वर्ब हो गया और सम्मान होता है नाउन। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब भी होता है आदर या फिर श्रद्धा, वेनरेशन का भी सेम मीनिंग होता है, लास्ट में TION है तो नाउन है ना। थर्ड वर्ड है, थर्ड सिनोनिम है इसकी एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ, ये भी नाउन है। सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब होता है टू प्रेज समथिंग और समवन हाईली, किसी की किसी को शाबाशी देना, किसी को प्रेज करना बहुत ही ज़्यादा, हाईली बहुत ही प्रेज करना, वो होता है एक्सटॉल। ठीक, इसकी जो सिनोनिम है वो है एक्लेम, एक्लेम का मतलब हम पहले ही पढ़ लिए थे कि एक्लेम का मतलब होता है वाह वाही करना या फिर वाह वाह करना, शाबाशी देना। यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब होता है कहकर या फिर लिख कर किसी की बड़ाई करना, वो होता है यूलोजाइज। रूट वर्ड है ईयू मतलब गुड, और इसका जो ये तो वर्ब है और जो इसका नाउन होता है वो होता है यूलॉजी। ठीक, यूलॉजी, उसका भी सेम मतलब होता है। तीसरा सिनोनिम है एग्जाल्ट, एग्जाल्ट का मतलब होता है उन्नत करना, इसको इसका जो मेन मीनिंग होता है कि टू रेज समथिंग और समवन टू अ हायर लेवल, किसी को या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को एक हायर लेवल पे उठा देना, पहुंचा देना, वो होता है एग्जाल्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिपेंट, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। फ्लिपेंट का मतलब होता है कि लैकिंग प्रॉपर रेस्पेक्ट और सीरियसनेस, किसी के प्रति प्रॉपर रेस्पेक्ट और सीरियसनेस की कमी रखना, कमी होना, वो होता है फ्लिपेंट। अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, ढंग से किसी की इज्जत भी नहीं करते हैं, वो होता है हमारा फ्लिपेंट। उसके लिए फ्लिपेंट यूज़ होता है क्योंकि ये होता है एडजेक्टिव। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है फ्रिवोलस, लास्ट में OUS है तो ये भी एडजेक्टिव होगा। और दूसरा है इसका फ्रिवोलस का मतलब होता है गंभीरता से विचार न करने वाला, बहुत ही ज़्यादा लाइट ले लेता है चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं रहता है, जहाँ पे होने की ज़रूरत भी होती है सीरियस वहाँ भी सीरियस नहीं होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है फ्रिवोलस या फ्लिपेंट। और दूसरा इसका जो सिनोनिम है वो है चीकी, चीकी का मतलब भी होता है गुस्ताख, चीकी का मतलब होता है गुस्ताख। अब जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके सामने अगर कोई ऐसी गलती कर देता है, बेसिकली जो गुस्ताख का मतलब ये नहीं होता कि जिसने गलती से गलती की हो, चीखी का मतलब होता है, गुस्ताख का मतलब ये होता है जिसने जानबूझ के गलती की हो उसके लिए इस्तेमाल होता है गुस्ताख। तीसरा है इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का सीधा सा मतलब होता है ढीठ, इसको हम हिंदी में ढीठ बोलते हैं, वो होता है गुस्ताख। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी हाँ इम्पर्टिनेंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमेज। अब होमेज का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डन टू ऑनर समवन, कोई ऐसी चीज़ जब किसी को ऑनर करने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए की जाए, वो होता है होमेज। ठीक है, इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है डिवोशन, डिवोशन होता है जैसे भक्ति करना ना, वो होता है डिवोशन। दूसरा सिनोनिम है इसका डिफरेंस, डिफरेंस का भी मतलब होता है सम्मान, ये
वे ऑफ बिहेविंग होता है, सम्मान देना, है ना। तीसरा है ऑनर, सभी जानते हैं ऑनर का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग। इसको याद करने का सबसे अच्छा ही तरीका इंट्रिगिंग को इंटरेस्टिंग से कोरिलेट कर लें, इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग, है ना। इंट्रिगिंग का मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि एक बच्चा है जो पेड़ पे बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हाउ दैट किड कैन स्पेंड ऑल डे अप देयर इज़ बियॉन्ड मी, मतलब कह रहा है कि एक बच्चा उस पर पूरे दिन इसी डाली पे बैठ के गुजार सकता है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ना। इसकी जो सिनोनिम है वो है टेंटलाइजिंग, बहुत ही प्यारा वर्ड है टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग को ऐसे समझते हैं जब आप मार्केट में जाते हो या कोई जब बच्चा मेले वगैरह में जाता है तो जब वो खिलौनों को देखता है तो खिलौने क्या करते हैं उस बच्चे के अंदर एक चाह उत्पन्न करते हैं कि वो ले ले, है ना। घर वालों से जिद करने लगता है कि भैया भैया या पिताजी माताजी मेरे को ये चाहिए, तो वो होता है टेंटलाइजिंग, चाह उत्पन्न करने वाला। दूसरा है बिगाइलिंग, बिगाइलिंग एक निगेटिव वर्ड है, ये देखने में तो अच्छी लगती है, बहुत ही मोहक वस्तु होती है, मनमोहक होती है, बट वो ठगी से भरी होती है, निगेटिव है ना। और इसी से ही एक बहुत ही अच्छा एक फनी वर्ड याद कर सकते हैं, वो होता है कैजोल। कैजोल को आप काजोल से याद रखें, है ना। कैजोल का मतलब ये होता है किसी को परसुएड करना, ठगी से किसी को उकसाना, ये होता है कैजोल। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा जॉक्युलर। जॉक्युलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ये एडजेक्टिव होता है और ये ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो कि जोक सुनाना पसंद करता है। और दूसरा है कि दूसरी इसकी मीनिंग होती है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि जोक के तौर पे मजाक के तौर पे बोली गई हो, वो होती है जॉक्युलर, ठीक है। मजाकिया हिंदी में बोलते हैं मजाकिया। और सिनोनिम्स हैं इसकी अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजक होता ही है। दूसरा है जोवियल, ये नेचर होता है, प्रसन्न नेचर, है ना। जोवियल नेचर के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तीसरा है स्पोर्टिव, स्पोर्टिव को बोलते हैं हंसमुख, है ना। बहुत लोग होते हैं हंसमुख टाइप के होते हैं, हमेशा उनके चेहरे पे हंसी रहती है, वो होती है स्पोर्टिव। नेक्स्ट है पैनीजारिक, पैनीजारिक बहुत ही अच्छा शब्द है। पैनीजारिक का मतलब होता है जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपने पढ़ा होगा किसी की बड़ाई करने के लोग स्पीच देते हैं, स्पीच देते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ लिख के कहीं पे पब्लिश कर दी जाती है किसी की बड़ाई के तौर पे, वो होती पैनीजारी, ठीक। और इसकी सिनोनिम्स जो होती हैं एक्लेम, एक्लेम हमने तीसरी बार हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एक्लेम का मतलब होता है वाह वाह करना, शाबाशी देना। एंकोमियम होता है इसका, एंकोमियम का मतलब होता है गुणगाथा, गुणगान करना किसी का। तीसरा है अप्लॉडिंग, अप्लॉडिंग का मतलब है शाबाशी देना। नेक्स्ट वर्ड है रैप्सडी, रैप्सडी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक ऐसी स्टेट जिसमें एकदम आदमी प्योर खुश है, एकदम से खुश है। ये सिनोनिम भी है, किसका सिनोनिम है ये, सिनोनिम है यूफोरिया का या फिर एक्सटेसिक, एक्सटेसी का, ये है सिनोनिम रैप्सडी, ठीक है। रैप्सडी का एक और भी मतलब होता है, रैप्सडी एक ऐसी म्यूजिक होती है या एक ऐसी टोन होती है जो कि होती तो इरेगुलर फॉर्म में है बट उसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशंस भरे होते हैं, उसके लिए भी रैप्सडी यूज होता है। इसी रैप्सडी से रिलेटेड एक मूवी आई थी बोहेमियन रैप्सडी, एक हॉलीवुड की मूवी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी के अंदर कोई चीज़ भड़का देना, उत्पन्न करना, उकसाना, टू अराउज इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, किसी के अंदर एक्साइटमेंट जगा देना, ठीक, इंटरेस्ट जगा देना, ये होता है स्टिमुलेट। लास्ट में ATE है तो ये वर्ब है, ठीक। इसी का इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो ये हैं कि इम्पेल, पहली सिनोनिम है इम्पेल, और इम्पेल का मतलब ही होता है टू कॉज समवन टू फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी किसी को ऐसे भड़का देना कि वो कोई काम करने के लिए एकदम से आतुर हो जाए, एकदम से लग जाए, जी जान से लग जाए कि वो काम करेगा ही करेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके अंदर डेवलप हो जाए, वो होता है इम्पेल। दूसरा है इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना, चाहे वो जो चीज़ भी हो। तीसरा है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है उकसाना। और यहीं पे एक बार फिर से ये वर्ड डिस्कस कर लेते हैं जो है कैजोल, कैजोल का मतलब भी होता है उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के बारे में बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कि सुपरलेटिव का क्या मतलब होता है, बट फिर भी वर्ड है तो डिस्कस कर लेते हैं। सुपरलेटिव का मतलब होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी की कोई चीज़ है उसके लिए यूज़ होता है सुपरलेटिव। ये डिग्री भी होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और इससे ग्रामर की चीज़ याद याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा जो आर्टिकल लगता है
वो लगता है द, ठीक, ये याद रखिएगा। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो ये हैं कि पहला है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। ये आप लोग अगर कोई रियलिटी शोज़ वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे आपको ये सुनने को मिलता होगा, जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस होती है तो जो जजेस होते हैं वो खड़े होकर बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही अच्छा, एकदम उत्कृष्ट हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है अनपैरेलल्ड, इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा है। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, मतलब, और दूसरा है अन, मतलब जिसकी बराबरी ही ना, कोई बराबरी ही ना हो, है ना, उसके पैरेलल में कोई चीज़ है ही नहीं, वो होती है अनपैरेलल्ड। तीसरा है अनरिवल्ड, अनरिवल्ड का मतलब होता है बेटर देन एनीवन और एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ से बेटर, अच्छा, है ना, अद्वितीय, वो होता है अनरिवल्ड। नेक्स्ट वर्ड है विविड, विविड बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और बहुत ही अच्छा वर्ड है। विविड का सिंपली मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें ये बेसिकली एक इमेज या पिक्चर के लिए यूज़ होता है, ऐसी पिक्चर या कोई ऐसी चीज़, ऐसी इमेज जिसको देखने के बाद वो चीज़ हमें एकदम ऐसे लगती है जीती जागती हो, वो एकदम असली की चीज़ हो, वो होता है विविड, सीमिंग लाइक रियल लाइफ बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर, वो इतना क्लियर है कि वो ऐसा लग रहा है कि सचमुच वो है। कोई कोई फ़ोटो हम देखते हैं ना, अक्सर लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे, कई बार सुना होंगे कि फ़ोटो देखने के बाद बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि ये बोलना चाहती है, तस्वीर कुछ बोलना चाहती है, तो वो होता है विविड, वो इतनी क्लियर होती है कि वो जीती जागती महसूस होती है, ठीक। इसके लिए जो सिनोनिम्स होती हैं वो होती हैं इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है गंभीर, है ना, बहुत ही हाईली, रिच, ठीक, रियलिस्टिक, ये होती है इसकी सिनोनिम्स। नेक्स्ट है विम्सिकल, फनी वर्ड है क्योंकि फ़नी लोगों के लिए भी यूज़ होता है ये। विम्सिकल का मतलब होता है एक वर्ड में ज़्यादा, अगर हम इधर उधर घुमा के ना बात करें, एक वर्ड में जाने तो विम्सिकल का सीधा मतलब होता है झक्की, ठीक है, झक्की मतलब होता है इसका, सन की, मनमौजी, झक्की, ठीक, नॉट सीरियस, सीरियस नहीं होता है, सभी चीज़ों की एकदम लाइटली लेता है, एकदम झक्की टाइप का। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है फैंसीफुल, फैंसीफुल को हम बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक, मतलब वो उसकी एक अलग ही दुनिया होती है, वो मतलब अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है मैं इतना, हालांकि जेब में एक कौड़ी भी नहीं होगी बट सोचेगा मैं इतना अमीर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसकी सारी चीज़ें काल्पनिक ही होती हैं और वो कल्पना कभी पूरी भी नहीं होती, वो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। दूसरा है कैप्रिशियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, कैप्रिशियस का मतलब होता है ऑफन चेंजिंग सडनली, मतलब उसका मूड हमें किसी, कोई ऐसा व्यक्ति है लास्ट में ओएस है तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होगा, तो कैप्रिशियस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब हमेशा मूड चेंज ही होता रहता है, कोई एक उसका पर्पज़ नहीं होता, अभी एक पल में कुछ और सोच रहा है, अचानक से कुछ और ही सोचने लगा, तो एक स्टेबल नहीं होता है वो, ठीक है, मेंटली स्टेबल नहीं है, कैप्रिशियस। तीसरा सिनोनिम है फ्रीकिश, फ्रीकिश का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज एंड एबनॉर्मल, है ना, फ्रीकी, इसी से बनता है फ्रीकी। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े आज, वर्ड्स थे सबसे पहला था एकोलेट, कैरिकेचर, एक्सेंट्रिक, एक्सटैटिक, एस्टीम, एक्सटॉल, फ्लिपेंट, होमेज, इंट्रीगिंग, जॉक्युलर, पेनीजायरिक, रैप्सडी, स्टिमुलेट, सुपरलेटिव, विविड एंड लास्ट में था विम्सिकल। ये सारे वर्ड्स थे सेकेंड ग्रुप के, जो कि ग्रुप कौन सा था, वर्ड्स अबाउट हैविंग फन एंड गिविंग प्रेज, ठीक है, तो एक वर्ड्स, एक ग्रुप था, उस ग्रुप में हमने ये सारे वर्ड्स सीख लिए, ठीक। मिलते हैं अगले ग्रुप के साथ, अगले वर्ड्स के साथ, बहुत ही अच्छे वर्ड होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, जय हिंद।